ईश्वर के सिवाय जो भी मिला था वो छूट गया, मिला है छूट जाएगा, मिलेगा छूट जाएगा, जो कभी न छूटे उसे ईश्वर कहते हैं, जो तुम्हारा कभी साथ न छोड़े उसे आत्मा कहते हैं। और आत्मा और परमात्मा का आपस में ऐसा है कि घड़े का आकाश और महाकाश, लहर और सागर, जीव और ब्रह्म। मनुष्य जन्म की बुद्धि का यही विलक्षणता है कि वो अपने आत्मा को जान ले, अपने परमात्मा प्रसाद को पाले, उधर को नजरिया करे और मार्गदर्शक मिल जाए कोई, तो ऐसी ऊंचाई पा लेता कि संसार तो उसके चरणों में, शाश्वत को पा लिया तो नश्वर तो उसका दास है। जैसे शरीर के पीछे उसकी छाया उसकी दासी है, ऐसे ही है। वही कारण था कि पहले के जमाने में लोक आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य जन्मजात जानते थे, समझते थे। तो एक कमाता था सौ खाते थे, हर चर्चा ध्यान भजन समाधि आनंद रहता था, घर में ताला भी नहीं लगता था। अब पत्नी कमाती है, पति कमाता है, लेडी भी दुखी, लेडा भी दुखी है, और बच्चे की हालत और बुरी है। जो जो हम छाया के तरफ जाते थे तो हम छोटे हो जाते हैं। संसार का व्यवहार, इंद्रियों का आकर्षण, ये छाया है। तो मनुष्य की क्या स्थिति है कि एक तरफ इंद्रियगत ज्ञान है, दूसरे तरफ बुद्धिगत ज्ञान है, और बीच में मनवा भाई है। आंख ने दिखाया, मुंह में पानी आ गया, बुद्ध ने कहा नहीं अभी दूध पिया है, चाट खाओगे तो बीमारी हो जाएगी। अरे क्या बात है, थोड़ा कुछ भी नहीं है, चलता है, थोड़ा खा लिया। तो इंद्रियों ने मन को घसीट लिया, बुद्ध ने कहा नहीं ये ठीक नहीं है, तो फिर बुद्धि बलवान है तो मन को इंद्रियों की गुलामी से बचा लिया। तो कभी इंद्रियां घसीटती है, कभी बुद्धि बचाती है, ऐसे ऊपर नीचे नीचे ऊपर करते करते मनुष्य बेचारा खप जाता है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए।